चालाक किसान की कहानी। एक बार की बात है, एक किसान एक बकरी और घास का गट्ठल और एक शेर को लिए नदी किनारे खड़ा था। उसे नाव से नदी पार करनी थी, लेकिन नाव इतनी छोटी थी कि वह एक समय में एक ही चीज़ को नदी के पार ले जा सकता था। वह अगर शेर को ले जाकर नदी पार छोड़ाता तो इधर बकरी घास को खा जाती, और यदि घास को ले जाता तो शेर बकरी को खा जाता। अंत में उसे एक समाधान सूझ गया। उसने सबसे पहले बकरी को साथ ले लिया और नदी के पार छोड़ आया। दूसरी बार वह शेर को ले गया, लेकिन लौटते समय बकरी को वापस ले आया। और तीसरी बार उसने बकरी को छोड़कर घास के गट्ठल को ले लिया, और ठीक इसी प्रकार अंत में वह बकरी को भी ले गया और उसकी कोई हानि भी नहीं हुई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए, अन्यथा हमारा किया हुआ कार्य व्यर्थ हो जाता है।